जय माँ अम्बे। साथियों, आज हम दर्शन करने चलते हैं एक बहुत ही प्राचीन और शक्तिशाली मंदिर के, माँ कन्याकुमारी के। इसे देवी कुमारी मंदिर भी कहते हैं। यह कन्याकुमारी जिले में तमिलनाडु के, भारत के दक्षिणी बिंदु पर है। यह मंदिर तीन समुद्रों के संगम पर है, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर। यह स्थान 51 शक्तिपीठों में से एक है। माँ पार्वती का कुमारी रूप है यहाँ पर। पौराणिक कथाओं के अनुसार यहाँ माँ की रीढ़ की हड्डी गिरी, इस कारण यह स्थान कुंडलिनी शक्ति का स्थान भी बताया जाता है। मंदिर 3000 वर्ष पुराना बताया जाता है। यहाँ माँ पार्वती जी ने शिव जी को पति रूप में पाने के लिए तपस्या की थी, किंतु इस अवतार में माँ कन्याकुमारी का शिवजी से विवाह ना हो सका। पौराणिक कथाओं के अनुसार बाणासुर ने तपस्या करके यह वरदान प्राप्त कर लिया था कि वह केवल कुमारी कन्या द्वारा ही मारा जा सकता है। इस कारण माँ ने कुमारी कन्या का रूप धारण कर बाणासुर का वध किया। इस संगम स्थान में प्रकृति की सुंदरता भी अद्भुत है। सूर्योदय और सूर्यास्त देखने के लिए सैकड़ों लोग यहाँ आते हैं। इस संगम पर पितृ तर्पण भी किया जाता है। कुछ भक्त इस संगम में स्नान करके, गणेश जी के दर्शन करके फिर माँ के दर्शन करते हैं। इस शक्तिपीठ में माँ सर्वणी तथा काल भैरव निमिष कहलाते हैं। मंदिर में माँ की मूर्ति नीले पत्थर की है और ऋषि परशुराम द्वारा स्थापित बताई जाती है। माँ के एक हाथ में अक्षमाला है। मंदिर में माँ की मुख्य मित्र विजय सुंदरी और बाला सुंदरी के मंदिर भी हैं। यहाँ पर चार स्तंभों वाले हॉल में स्तंभों से वीणा, मृदंगम, बांसुरी और जल तरंग की ध्वनि निकलती है। भक्त माँ को लाल साड़ी और घी के दिए भेंट करते हैं। मंदिर परिसर में एक भद्रकाली मंदिर भी है। कुछ भक्त इसे शक्तिपीठ मानते हैं। यहाँ एक कुआं है जिसका पानी मीठा है। कन्याकुमारी इस क्षेत्र की ही नहीं, पूरे भारत की अधिष्ठात्री और रक्षिका देवी हैं। मंदिर पांडे शासकों ने बनाया और नायक शासकों ने पुनर्निर्माण किया। यहाँ बताया जाता है कि मंदिर का पूर्वी द्वार बहुत कम खोला जाता है, केवल मुख्य त्योहारों में, वैसाख के महीने त्योहार के समय, नवरात्रि में त्योहार के समय, जब माँ को उत्सव स्नान कराया जाता है, तभी पूर्वी द्वार खोला जाता है, क्योंकि माँ की नाक की लौंग, नोज रिंग जो होती है, उसमें जो रूबी है, उन रूबीज का प्रकाश इतना होता है कि
ये बताया जाता है कि जो शिप्स हैं उनको भ्रम हो जाता है लाइट हाउस का। मंदिर में प्रवेश उत्तरी द्वार से है। प्राचीन काल में यहाँ संन्यास की दीक्षा दी जाती थी। मंदिर में पूजा के नियम शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित नियमों के आधार पर हैं। माँ के दर्शन करके स्वामी विवेकानंद ने यहाँ एक चट्टान पर तपस्या की। यह जग प्रसिद्ध है। साथियों, ऐसी ही दिव्य जानकारी के लिए प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और ऐसे दिव्य स्थानों में दर्शन करने का मौका मिले तो कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जय मां अंबे।